जो एक बंधे हुए मैकेनिज्म में अपने जीवन को जी रहा है वह व्यक्ति जागृत नहीं है, होश में नहीं है। सत्य तो यह है, गुरजीएफ के अगर मैं शब्दों का उपयोग करूं तो वो इंसान ही नहीं, वो सिर्फ एक मशीन। उसके कुछ बटन हैं, कुछ बटनों को दबाइए वो खुश होगा, कुछ बटनों को दबाइए वो रोना लग जाएगा, कुछ बटनों को दबाइए वो चुप हो जाएगा, कुछ बटनों को दबाइए वो काम करने लग जाएगा, कुछ बटनों को दबाइए तो वो चुपचाप पड़ा रहेगा, सोएगा। जीवन को प्रोग्राम की तरह नहीं चलना चाहिए, जीवन में एक त्वरा, एक ऊर्जा, एक दृष्टि, एक सोच होनी चाहिए। और जब वह नहीं होती है तो आपके लिए यह जीवन एक बोझ हो जाएगा, आज नहीं तो कल। वही मैं भी वही बात कहना चाहूंगी कि जिस दिन तुम में से कोई पागल हो जाए तो मुझे भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मुझे दिखता ही है कि कभी तो हो ही जाओगे जिस तरह का जीवन जीते हो। जीवन में नवीनता का सृजन होना चाहिए। न्यूनेस शुड बी ब्रॉट इन द लाइफ, आएगी नहीं, यू हैव टू ब्रॉट, यू हैव टू ब्रिंग इट, लानी पड़ती। और जब यह नवीनता आएगी तो तभी आएगी जब तुम जागृत हो, जब तुम होश में हो, जब तुम दृष्टा हो। जब तुम दृष्टा नहीं हो तो फिर तुम सिर्फ एक मशीन हो, फिर तुम सिर्फ एक मैकेनिज्म हो। और जो मैकेनिज्म है वो ना सांख्य योग पे चल सकता है, ना ही वो भक्ति मार्ग में ठीक से चल सकता है। इस बेहोशी को तोड़ने की आवश्यकता है, इस बेहोशी को दूर करने की आवश्यकता है। और उसे दूर करने के लिए व्यक्ति को विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करना चाहिए। आज का श्लोक लेते हैं। यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् सांख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही देखता है। सांख्य योग और निष्काम कर्म योग जो हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं, इनके फल भी एक से हैं और इनका जो अंततः जो स्थिति है वो स्थिति भी एक सी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, परम धाम मतलब अब इसमें किसी दूर देश के किसी स्थान की कल्पना मत करिए कि सांख्य योगियों को मरणोपरांत उस दूर के किसी धाम में पहुंचने का अवसर मिलेगा और भक्त लोग भी वहीं पहुंचेंगे। डू नॉट क्रिएट एन इमेजिनेटिव प्लेस कॉल्ड परम धाम, कॉल्ड हेवन। आदमी बेचारा इतने दुख में जीवन को जीता है और सुख की आशा उम्मीद उसकी इतनी टूट चुकी होती है कि उसको अपने दिल को धैर्य देने के लिए यह मानना ही पड़ता है, ये कल्पना खड़ी करनी ही पड़ती है कि मरणों उपरांत एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, एक हेवन है, जहां पर पुण्य और धर्म कर्म करने वाले लोग पहुंचते। इस जिंदगी में अपने जीवन को जीते हुए इंसान को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है और बार बार उसे लगता है कि जो अच्छा काम करते हैं वो दुखी होते हैं, जो शैतानी करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं वो बड़ी मस्ती से जीते हैं, बड़ी खुशी से जीते हैं। इन धर्म भीरुओं के लिए इतनी आसान बात भी नहीं है कि वो अपनी नैतिकता और धर्म की सोच को किनारे कर शैतानों की तरह जीवन को जीने लग जाएं, पर दिल में एक टीस उठती रहती कि अमुक इंसान बेईमान भी है, बदतमीज भी है, स्वार्थी भी है, लोभी भी है, लालची भी है, अपराधी भी है,
पर फिर भी मजे से जी रहा है, हम ये सब करते नहीं हैं फिर भी हम दुखी हैं। तो ऐसे दुखी इंसानों ने मिलीजुली एक सोच तैयार की और उसी सोच का नतीजा है स्वर्ग। अपने दिल को वो दिलासा देते हैं, यहां सुख भले ना मिलता हो हमें धर्म कर्म और नैतिक जीवन जीने पर भी, पर मरने उपरांत तो जरूर मिलेगा। और ये जितने अशुभ कर्म करने वाले हैं ये सब नरकों में जलेंगे, सड़ेंगे। और फिर कैसे भयानक दृश्य खड़े किए गए, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें तो हर धार्मिक ग्रंथ में स्वर्ग का भी जिक्र होगा, नरक का भी जिक्र होगा। और नरक का जिक्र इतना खतरनाक है, इतना भयानक है, इतना डरावना है कि अगर आप उसको पूरी तरह से पढ़ लें कि जहन्नुम का नज़ारा क्या होगा, हो ही नहीं सकता है कि तुम अगले दिन फजल की नमाज के लिए उठे ना हो, ब्रह्म मुहूर्त में जग के प्राणायाम और जप ना कर रहे हो। क्योंकि जहन्नुम में जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ रिश्वत दे करके किसी जमदूत को ये नहीं कह सकते भी थोड़े कोड़े कम मार देना, जहाँ तुम ये नहीं कह सकते हो कि मुझे तकलीफ से बचने के लिए कोई उपाय तू बता दे, अंडर द टेबल जहाँ कुछ होना संभव नहीं है, जहन्नुम का नर्क का जिक्र सुनते ही, हेल के बारे में जिक्र पढ़ते ही अच्छे अच्छे जो हिम्मतवार लोग हैं वो भी दुष्कर्म करने की हिम्मत त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ तुम्हारी मर्जी नहीं चलनी, कोई पहुँच नहीं चलनी, इसलिए बेहतर है अपनी ज़िंदगी को तरीके से जियो, ढंग से जियो। पर फिर भी संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, संसार का प्रलोभन इतना बड़ा है कि धर्म और नैतिकता की खबर होने के बाद भी फिर दुष्कर्म करता। पूछो अपराधी से, पूछो कत्ल करने वालों से, पूछो चोरी डाका करने वालों से, पूछो पैसे के लिए किसी के भी हत्या कर देने वालों से, पूछो कि तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहेगा किसको पता है, किसने देखा जहन्नुम है? मुल्ला लोग पागल बनाते हैं, ये पंडित लोग बेवकूफ बना रहे हैं, किसने देखा नरक होता है? और मान लीजिए अगर इन अपराध का जीवन जीने वालों को, झूठ फरेब कहने वालों को कुछ ठोस सबूत दे दिया जाए, कहे जहन्नुम है, नरक है, अब उसके लिए बेईमानी करना मुश्किल हो जाए। तो समाज के ऊपर एक अंकुश लगा रहे, एक डिसिप्लिन बना रहे और लोग जो मुंह आए वो बोले नहीं, जो दिल आए वो करने न लग जाएं। इसलिए लगभग सभी धर्मों और सभी सभ्यताओं में नरक और स्वर्ग की मान्यता है, वो मानते हैं कि है। अक्सर लोग पूछते हैं सच में होता है कि नहीं होता है? अब अगर ज्ञानी ये कह दे नहीं है तो उसे ये पता है कि तुम यूं छूटोगे ना फिर अपराध करने के लिए, क्योंकि जो अंकुश है वो खत्म हो जाएगा। एक दोहरी नीति तुम अपने जीवन के लिए अपनाते हो, एक तरफ तुम बुरे कर्म करते रहोगे और दूसरे तुम साइड बाय साइड शुभ कर्म करते रहोगे, तुम्हें लगता है इससे खाता बराबर रहेगा। तुम भगवान के सिस्टम को भी कंफ्यूज करना चाहते हो कि वो भी बेचारा चक्कर में पड़े, पाप ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है। इसीलिए कभी कभी यह देखा गया है और अक्सर यह देखा गया है कि अधिक बेईमानी करने वाले सबसे बड़े दानी होते हैं, सबसे ज्यादा चोरी डाके मारने वाले सबसे बड़े देवी के भक्त होते, हज भी जरूर करते हैं और सूदखोरी भी पूरी करते हैं। साल भर सूदखोरी करी जो कि कुरान शरीफ के अनुसार मना है, आप पैसे से पैसा नहीं बना सकते हो, सूद खाना हराम है, पर वो खाता है, वो खाएगा, पर फिर साल के बाद साल में एक बार हज भी चला जाए, वहां जाके शैतान को पत्थर भी माराएगा, खुद सबसे बड़ा शैतान। लोगों को ऐसा ऐसा आचरण करते हुए देखा है कि बुद्धि दंग रह जाती। छोटे बच्चों को स्मगल कर देते, यौन शोषण के लिए, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चों को अगवा किया जाता है, बच्चों को दूर देशों में बेच दिया जाता है। भारत में कितनी ही जगह है जहां छोटे छोटे बच्चों को
इस धंधे में डाल दिया जाता है। और जो इन गिरोहों के सरगना हैं, आप उनको मंदिरों में, दरगाहों में सबसे आगे खड़े पाओगे। सबसे आगे खड़े हैं ये लोग, भगवान को भी बेवकूफ बना लेना चाहते। बनेंगे भगवान बेवकूफ के, नहीं बनेंगे ये बात तो बाद की है, लेकिन सम हाव धर्म की जो गलत व्याख्या कर दी है इन पंडितों, मुल्लाओं और भाइयों ने, उसकी वजह से आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, धर्म भी करता है, अधर्म भी करता है, और उसे लगता है कि अधर्म के बड़े खाते को एक बड़ा धर्म कर्म कर लेने से हम साफ कर देंगे। आई पूर्णमासी, आई संक्रांति, हरिद्वार, ऋषिकेश, अलाहाबाद, त्रिवेणी में डुबकी लगाने वालों की इतनी भीड़। मेरे परिचय में एक महात्मा थे, हम दोनों बैठे, मौन का आनंद ले रहे थे। एक महिला आई, उनकी शिष्य थी, कहने लगी महाराज प्रणाम करती हूँ, फिर तो मैं आऊंगी नहीं, 5-6 दिन मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ? बोले कुंभ है ना, तो कुंभ का स्नान करने जा रही हूँ। महात्मा ने कहा तू पिछले कुंभ भी गई थी? हाँ महाराज, मैं तो कोई कुंभ छोड़ती नहीं। महात्मा जी ने बड़े भोलेपन से कहा कुंभ स्नान का बड़ा पुण्य होता है। कहती हाँ महाराज, सारे पाप धुल जाते हैं। महाराज फट से बोले तो पिछले कुंभ और इस कुंभ में तुमने फिर इतने पाप जोड़ लिए हैं कि फिर नहाने को जाना पड़ रहा है। प्रश्न बड़ा लॉजिकल है। सिखा गंगा में स्नान करिए, जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और माँ गंगा परम धाम में पहुंचा देती। अच्छा भाई, तूने कर लिया है एक बार स्नान, तो अब तो गारंटी होनी चाहिए, पर तुम्हें हर संक्रांति में क्यों जाना पड़ रहा है? हर तीज त्यौहार में क्यों जाता है? हर दिवाली अमावस्या पर क्यों जाता है? हर कुंभ पर क्यों जाता है? एक बार हो गया स्नान, बात खत्म हो जानी चाहिए। पर बात खत्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं दिल में तुम भी जानते हो और तुम्हें इस बात के लिए बहुत जोर से संशय है। इसी कारण से तुम अपने जीवन जीने के ढंग को नहीं बदलते हो। अशुभ संसार का जो प्रलोभन है वो पूरे तरह से तुम्हें जकड़े रहता है, वो तुम छोड़ नहीं पाते हो। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तुम अपनी इंश्योरेंस खरीदते हो धार्मिक कर्म करके। इसलिए दान करता है, तप करता है, तीर्थ जाता है। कबीर तो पूछते हैं प्रश्न कि गरीब का गला काटा और फिर वही पैसे से तू जाके मंदिर बनवाया, ये दान पुण्य हुआ कि ये अधर्म हुआ? पाप मानू इसको कि पुण्य मानू इसको? जब भगवान ये कह रहे हैं कि जो सांख्य योग से अथवा जो निष्काम कर्म से जीवन को जीते हैं वह परम धाम को प्राप्त होते हैं, तो यहां परम धाम का अर्थ किसी काल्पनिक स्वर्ग या नरक या भौतिक स्वर्ग या नरक का अर्थ न समझा जाए। यहां पर परम धाम का अर्थ है वह निर्विकल्प समाधि, वह स्थान जहां मन और बुद्धि, अंतःकरण और अंतःकरण के संस्कारों का लेश मात्र भी छूता नहीं है। आप उसी स्थिति को प्राप्त होते हो, वो भी मरणोपरांत नहीं, वह जीते जी ही आपको मिल जाती। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन में कोई भी कर्म बिना किसी अर्थ के प्राप्ति का संकल्प लिए बगैर करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद सुई की नोक से ऊंट का गुजरना।
क्या सुई की नोक से ऊंट को गुजारा जा सकता है? संभव नहीं, सुई की नोक इतनी छोटी, ऊंट का आकार, शरीर इतना बड़ा है। इसी तरह से मन बुद्धि वाले इस इंसान की सोच इतनी छोटी है और स्वार्थ इतना लबालब भरा हुआ है कि ये भगवान को भी याद इसलिए करता है कि भगवान को याद करने से आनंद मिलेगा। क्यों करते हो याद ईश्वर को? भगवान से भी आनंद चाहिए। ध्यान भी क्यों करता है? वो भी इसलिए कि ध्यान से समाधि चाहिए। बताओ मुझको, तुम कौन सा कर्म है जो निष्काम करते हो? एक ने कहा, हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं बिना किसी लाभ, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। झूठ। अगर किसी बिना लाभ स्वार्थ के करते तो जब तुम्हारा गुरु तुम्हें ये कहे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, वो जो दिल में खुशी आती है उसी खुशी के चक्कर में तो दिन रात दौड़े पार के फिरते हो। एक ने कहा, नहीं हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है, मान लिया, तुम कहते हो मैं स्वीकार कर लेती हूं, परंतु सेवा करने में जो तुमको आनंद आ रहा है, अगर वो आनंद ना हो तो क्या तुम सेवा करो? ले तो फिर भी कुछ रहे हो। कोई तुमसे कहे आनंद ना मिलेगा, कोई गुरु की प्रसन्नता ना मिलेगी, गुरु के सामने जो तुम इमेज अपनी अच्छी बनाना चाहते हो। मैंने देखा लोगों को इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि गुरु के साथ मैं ईमानदार रहूं और मैं जैसा हूं गुरु वैसा जाने के मैं कैसा हूं। सब लोगों की कोशिश ये होती है, सब चेलों की कोशिश ये होती है टू पुट द बेस्ट फेस ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ द गुरु। गुरु के सामने आप अपना सुंदर से सुंदर चेहरा, सुंदर से सुंदर व्यवहार गुरु के समक्ष रखते हो। अपनी गलतियों को, बुराइयों को, कमियों को, अवगुणों को बिल्कुल यूं छुपा करके सुंदर सी मुस्कान, झुका हुआ सिर, जी महाराज जी हुक्म करिए, ऐसे प्यारे शब्दों का उपयोग करता है। क्यों? हम वास्तव में रूपांतरित नहीं होना चाहते, पर हम एक अच्छी छवि अपनी जरूर बना के रखना चाहते, दुनिया में भी और धर्म में भी। आदमी को तकलीफ, धन चला जाए नहीं होती, चीज उसकी गुम हो जाए तो नहीं होती, लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा चली जाए तो उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस बात की फिक्र तुम्हें ज्यादा होती। इसीलिए अपराध करने वाला आदमी सरेआम करने से डरता है। जब भी उसे अपराध करना हो वो हमेशा छिप के चार पर्दों में करेगा, खुलेआम नहीं करेगा। अपनी छवि की चिंता एक अपराधी को भी है, राजनेता को भी है, एक साधु को भी है, एक गृहस्थी को भी है, एक त्यागी को भी है, सबको इसकी बड़ी फिक्र है कि लोगों के सामने मेरी कुछ जो गंदगी है वो लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, वो छिपी रहनी चाहिए। होना यह चाहिए कि आप अपनी बुराई को, आप अपनी गंदगी को छुपाए नहीं, आप उसको दूर कर दो। वो दूर कैसे की जा सकती है, उसके लिए साधन किए जाने चाहिए। अगर आप वो साधन नहीं करते हैं तो ये तो फिर छिपा छिपी का खेल चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। बहुत छुपाओ कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाएगी, बहुत छुपाओ कहीं ना कहीं वो फिर बाहर निकल आएगी। बिना फल की कामना के मनुष्य के द्वारा कोई भी कर्म करना संभव नहीं है। आपको पूछे, आप यहां क्यों आए? तो तुम्हारे मन ने कुछ लाभ देखे हैं या अनुभव किए हैं, कुछ लाभ तुमको मिले थे, अब वो लाभ और ज्यादा बढ़ जाएं, ऐसी कामना है, ऐसी चाह है। भले वो अध्यात्म में प्रगति की हो पर है तो कामना ही ना। पीछे के अध्याय में बहुत प्यारा एक श्लोक आया था, विहाय कामान सर्वान पुमश्च,
जिसकी समस्त कामनाएं शांत हो गई हैं, ऐसा व्यक्ति ही निष्प्रिय, ममता रहित और निरअहंकार हो पाता है। जिसके अंदर एक भी कामना है वो ममता रहित, निरअहंकार और निष्प्रह हो नहीं सकता। भगवान कहते आसान नहीं, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास। संन्यास अर्थ क्या? संन्यास का अर्थ है त्याग, छोड़ दिया, भला बुरा छोड़ दिया, लेन देन छोड़ दिया, राग द्वेष छोड़ दिया, स्वर्ग नरक छोड़ दिया, ज्ञान अज्ञान भी छोड़ दिया। कोई पूछे क्या लाभ होगा, बोले लाभ का क्या मतलब, यही जीवन है, ज्ञान सुनने का क्या लाभ? अगर इसमें भी तुम लाभ ढूंढ रहे हो तो तुम सकामी हो गए, निष्कामी नहीं रहे। बिना कामना के ज्ञान सुने, बिना कामना के सत्संग हो, बिना कामना के साधना हो, बिना कामना के धर्म हो, बिना कामना के दान हो, अच्छा और कोई कामना नहीं है, दान देता है, न स्वर्ग चाहिए, न प्रशंसा चाहिए, न कुछ दुनियावी वस्तु की प्राप्ति हो जावे, ऐसी कोई भावना भी नहीं, पर अंदर खुशी तो मिलती है ना। और ये खुशी ऐसी प्यारी है, और कुछ चाहत हो ना हो पर फिर इतनी चाहत जरूर होती है, रहती है, इंसान है क्या करे, जहां देता है या जहां देना चाहता है ना तो उसको कंफर्म करना पड़ता है, भी पता है ना, मालूम है ना। निष्काम कर्म आसान नहीं, और कर्म संन्यास तो उससे भी कठिन। कर्म संन्यास अर्थ क्या? मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, संन्यासस्तु, देह इंद्रिय मन बुद्धि से संन्यास, इससे पीछे हट गया, देह से पीछे हट गया, अपने शरीर से मैं पने को पीछे खींच लिया, इंद्रियों से मैं पने को पीछे खींच लिया, मन से मैं पने को पीछे खींच लिया, बुद्धि से मैं पने को पीछे खींच लिया, मैं हूं इससे भी अपने आप को पीछे खींच, यह है संन्यास। लाल कपड़ा पहने, पीला पहने, बाहरी बेश बदले, ये संन्यास नहीं है, कर्म संन्यास। संन्यास की सही व्याख्या अर्जुन को दी जा रही है, और ये वो संन्यास है जो हर ग्रस्त को भी मिल सकता है। ग्रह त्याग सब नहीं कर सकते, और जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, परंतु संन्यासी कोई होना चाहे तो कैसे हो, क्या करे? बोले कुछ नहीं, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने आप को पीछे कर ले, और देह के द्वारा, मन के द्वारा जो विचार हो उसका दृष्टा है, साक्षी है, बुद्धि में जो ज्ञान अज्ञान आवे उसका वो साक्षी है। घटनाएं घट रही हैं, चीजें हो रही हैं, हम करने वाले कुछ है ही नहीं। आंख खुली तो रंग दिखे, मैं आपसे पूछती हूं, रंग आंख तक पहुंचे कि आंख रंग तक पहुंचे, सोचें। अच्छा रहेगा एक बार आंख बंद कर लो, और फिर दो क्षण बाद आंख खोलना, आंख खुलते ही क्या दिखा, आंख बंद करिए, अब खोलिए, क्या दिखा? तुम्हारी आंखें रंग तक पहुंची हैं या रंग तुम्हारी आंखों तक पहुंचे? नीड टू थिंक ओवर। मेरे हाथ में एक छोटा तौलिया है, वो किस रंग का है तुम नहीं बता सकते, क्यों? तुम्हारी आंखों ने उस तौलिये को और तौलिये के रंग को देखा नहीं, ठीक? तो आंखें यहां तक पहुंची तो रंग दिख गया। अब आंखों को रंग देखने के लिए क्या कोई अलग से कसरत करनी पड़ी?
कोई अलग से सेटअप करना पड़ा, कुछ कोशिश, कुछ मेहनत? आंख खुली, रंग दिखे, इसमें क्या बड़ी बात है? पर जैसे ही आंख ने देखा गुलाबी रंग, तुम्हारा मन आ गया बीच में और मन ने कहा ये रंग तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। एक नेचुरल प्रोसेस थी रंग दिखना आंखों को, ये तो नेचुरल है। लेकिन अननेचुरल क्या है? जो तुमने अपनी चॉइस, अपनी चुनाव, अपनी पसंद को उस रंग के साथ जोड़ दिया। या तौलिए को, ये छोटे हैंड टॉवल को देखते ही मन ने विचार उठा दिया कि अरे ये हैंड टॉवल अच्छा है, कहाँ से लिया है पूछ लेंगे, खरीद लेंगे। या अरे हैंड टॉवल पैकिंग करते समय मैं अपना घर छोड़ा है, अपना तौलिया याद आ गया। या कि ये गुरु माँ के हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, ये रंग नहीं अच्छा है, उनके लिए मैं कोई दूसरा लेके आता। जो विचार तुम्हारे मन ने चलाए, जो विचार तुम्हारी बुद्धि में उठने लग गए, इन विचारों में तुम इतने खो जाते हो कि नेत्रों का रंग दिखना बहुत कम समय के लिए होता है और अधिक समय तुम्हारा मन का जाल जो उस रंग के प्रति बुन जाता है, और मैंने देखा या मुझको चाहिए या मुझे मिल जाए, पसंद ना पसंद, अच्छा या बुरा, ये जो तुम्हारी एक कमेंट्री मन ने करनी शुरू कर दी। और ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है, तुम मन हो जाते हो, तुम मन के साथ ही एक हो जाते हो और मन बनकर फिर तुम्हारी कमेंट्री चलती है। नाउ दिस इज अननेचुरल। कर्म संन्यास क्या है? आंख रंग देखे और तुम जानो कि आंखों ने रंग देखा, बुद्धि ने विचार करके, इतना तो वो जो आपका अवचेतन है वहां से निकल आएगा कि नीला या पीला या क्या रंग है, वो तो सहज बिना किसी प्रयास के वो अपने आप आ जाएगा। दैट इज ओके, दैट इज फाइन। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो लेबल तुम लगा देते हो और फिर मन बनकर उसका मजा या उससे दुखी होने लग जाते हो, ये अननेचुरल हो गया। भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास, अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मन सोचे और तुम जानो कि मन सोच रहा है, तुम मन के सोचने को भी जानो, बुद्धि विचार करे तुम जानो मैं बुद्धि से अलग हूं, मैं बुद्धि का दृष्टा हूं। और मैं आपसे पूछूं अगर तुम्हारा मन देह में कहां है? गुरबानी का ज्ञान सागर, परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु माँ की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जप जी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रह रास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब gurumaa.com पर उपलब्ध है।